हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 फरवरी है, संडे का दिन है। और जो एक शेयर अपडेट लेके आया था, एक प्रभात डेयरी पे लेके आया था। ये आपको मालूम है कि हाई इसने बनाया था 257। उसके बाद जब एक ह्यूमन मार्केट में आया कि इन्होंने बिजनेस शेयर बेचना, अपने को प्रभात डेयरी का बेचने गए, उसके बाद ये अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया और गिरते गिरते 85 तक आया। सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न है जहाँ पे हमको लग रहा है कि एक बार ये वापस अप ट्रेंड जब भी लेगा तो ले सकता है। कोई भी अच्छे न्यूज के आने के बाद डिलीवरी अच्छी खासी इसमें उठ रही है, 80 मोर देन 80% की डिलीवरी हो रही है। तो सिर्फ इसके लिए ये चार्ट पे लाया, बट लॉन्ग टर्म सपोर्ट 70 के लिए टूट जाएगा, शॉर्ट टर्म 80 के लिए टूट जाएगा। तो कोई भी 80 के नीचे जाए, शॉर्ट टर्म में निकल जाए, और लॉन्ग टर्म में 70 के नीचे जाए, तो आप एग्जिट करते हैं इसमें। अदरवाइज ये वापस आपको 157 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो यही था प्रभात डेयरी में। और फाइनेंशियल आप जानते हैं, ये क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है और ये स्किन पाउडर करती है, होल मिल्क पाउडर, स्विटजन, ये सब करती है। अच्छी बात है ये कि डेब्ट फ्री कंपनी है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है इसका, और इसकी जो शेयर गिरवी रखी हुई है वो 60% शेयर गिरवी रखी हुई है, और जो इसकी बुक वैल्यू है 59 के आसपास है। तो बेस प्राइस तो इसका 59 के आसपास ही है, बुक वैल्यू यहाँ पे 79.86 बता रहा है। और अभी जो इसकी 85 करंट प्राइस चल रही है, तो अगर इसको चाहें तो आप इसलिए सिर्फ वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं अगर 20 दिन और 30 दिन का एवरेज देख रहे हैं तो ये दोनों साथ में ही चल रहा है। अब देखिए इसके 20 दिन का और ये क्रॉस यहाँ पे कर किया है, उसके बाद एक साथ कांस्टेंट चल रहा है। तो इसलिए मैं बोला 80 के आसपास अगर ये तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो ये फिर डाउनफॉल वापस शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और अगर 70 को तोड़ता है तो लॉन्ग टर्म में वापस फिर नीचे की ओर जा रहा है, जो कि टूटना नहीं चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक अच्छा आपको अप ट्रेंड दिखाने को देख सकता है। और अगर इसको छोड़ ही दें, इसको छोड़ भी दें, तो आप देखिए यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स में ये एक स्क्वीज की पोजीशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो अभी क्लोजिंग 85 पे दिया है, तो आपको हो सकता है रिसेंटली ये आपको 92 शॉर्ट टर्म, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं इस ब्रेक लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखता है। और अगर ये किसी तरह अच्छी तरह से ढंग से ये 90 को क्रॉस करता है, तो वापस ये ऊपर के रेज्यूम को जो तोड़ के निकला था 100, और 100 क्रॉस करता है तो ऊपर एक एक करके आपको ये बढ़ते जाएगा। तो वापस यहाँ पे 91, पहला टारगेट इसका आप 91 का मानिए। अगर 91 क्रॉस करता है तो फिर ये एक अप ट्रेंड ही लेगा, और अप ट्रेंड लेते हुए ये आपको फिर कहीं ना कहीं 157 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो एक इसमें स्क्वीज की पोजीशन बनी हुई है 91 के टारगेट के लिए। अभी इस शॉर्ट टर्म में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये 100 क्रॉस करेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको 160 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। तो मुझे एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न के कारण खाली इसमें अच्छा लगा, और कोई खास नहीं था, लगा कि यहाँ पे इसको एक बार देखा जा सकता है। पोजीशन स्क्वीज ही है, बोलिंगर बर्ड्स में देखे तो स्क्वीज की पोजीशन है, एक अच्छी पोजीशन है। और डेली बेसिस पे ही अगर हम इसको एमएसडी को भी देखें, तो एमएसडी यहाँ एक ब्लू लाइन जो ये ऊपर की ओर जाती है, जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ये भी दिख रहा है 4750, ये बेस है। अगर गया तो वापस ये ऊपर की ओर जा सकता है, नीचे ट्रेंड में है तो हो सकता है कि थोड़ा वेट करने से आपको, और हो सकता है अगर नीचे मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको। तो प्रभात डेयरी में हो सकता है एक बुल स्प्रेड आपको मिल सकता है, और वो एक लंबी छलांग भी मार सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लंबी छलांग मारेगा तो आपको यहाँ पे 110 111 भी लेके जाएगा। मुझे लगता है कि ये लेवल आपको देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। किसी भी दिन आपको इसमें 110 111 का लेवल आपको देखने मिले तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए 70 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी बाय सेल करना है तो अपना स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाए।
मुझे एक अच्छा पैटर्न सिर्फ टेक्निकल दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये स्क्वीज पैटर्न को बाहर निकलेगा, और निकलेगा तो वॉल्यूम के साथ निकलेगा। और ये अभी रिसेंटली अभी भी जो वॉल्यूम हो रहा है आपको, मैं इसकी अगर आपको डिलीवरी भी दिखाऊँ इसमें, तो आपको देखिएगा लास्ट 2 वीक से डिलीवरी 81, 68, 60, 90, 90, 80, 90, तो डिलीवरी ख़राब नहीं हो रहा है, मोर देन 80% डिलीवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बाइंग पोजिशन है, बन रही है धीरे धीरे, और हो सकता है ये आपके को ये अच्छा बेनिफिट दे, दे आगे जाकर के देखते हुए मिले, दिखा सकता है। तो आप इसमें चाहें तो बने रह सकते हैं, वो पॉजिटिव या वॉल्यूम भी देखेंगे आप। तब देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पे एक वॉल्यूम, यहाँ ग्रीन सिग्नल के साथ ही यहाँ से ही एक बाइंग वॉल्यूम भी है, और ये मोर देन एवरेज जो 20 है वॉल्यूम, उसके ऊपर ही वॉल्यूम हो रहा है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए लगता है कि आप एक बाइंग पैटर्न इसमें आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 80, लॉन्ग टर्म के लिए 70, ये दोनों के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे इसमें पोजीशन को पेपर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।